वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। तो यू पीपल आर वॉचिंग लोन ट्रैवलर। तो जैसे कि देख सकते हैं अभी टाइम बज रहा है लगभग 11:15, 11:20 हो चुका है और आज है संडे। तो मैं अभी सुबह निकला हूँ आरकू के लिए। तो लास्ट टाइम भैया के साथ गया था कार में, पर आज बाइक में जाएंगे, थोड़ा देखेंगे क्योंकि वहाँ पर जो नज़ारा है ना, क्योंकि उन्हें बाइक में ही मज़ा आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा रेस्ट किए हैं, तो चलिए चलते हैं, ठीक है, देखते रहो। तो हेलो दोस्तों, मैं अभी एक जगह में रुका हुआ हूँ। ये एक्चुअली मैं जब भी हम लोग मतलब उड़ीसा से ये कोरापुट और उसके बाद जो आरकू वैली जाते हैं, एक जगह आता है, ठीक है, एक शायद जगह का नाम पता नहीं है, पर एक कुछ रिजर्वर है, देख लो थोड़ा नज़ारा। ये जो सीधा रास्ता दिख रहा है ना, इस तरफ अगर जाएंगे तो आप राजा केव जा सकते हैं। मैं कभी गया नहीं हूँ, कभी देखते हैं नेक्स्ट टाइम जाते हैं इस तरफ। बालडा केव तो गया था, तो पता नहीं है राजा केव कैसा होगा। और वहाँ पे जो ये पूरा सीधा दिख रहा है ना रोड, वो एक्चुअली में एक ट्रेल लाइन है, उसके बगल में रोड गया है, वो आरकू वैली तक गया है। मतलब हम लोग अभी जाएंगे आरकू वैली। अभी तो 12:30 कुछ 12:40 हो गया है, तो ऐसा कुछ नज़ारा है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ठीक है, निकलते हैं, देखते रहिए। यार बगल में जो ये झील है ना, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। आरकू जाने के टाइम पर ये पड़ता है, देख सकते हो नज़ारा, वाह, बहुत बड़ा झील है। तो अभी लगभग 1 बज गया है, मुझे पहुंचना पड़ेगा 2 बजे के आसपास। अगर आरकू में पहुंच भी जाते हैं, मतलब लंच तो नहीं किया हमें, उधर करके थोड़ा व्यू वगैरह देख के हम लोग रिटर्न हो जाएंगे। तो ठीक है, देखते रहो। एक्चुअली मैं कार में आया था, पर कार में यार पता नहीं चलता है रोड और बगल में जो सीनरी रहता है। अगर आप बाइक में जाएंगे ना, तो एक्चुअल जो नेचर का फीलिंग मतलब लगता है, ये रोड है, ऐसा है सिचुएशन, और मतलब इतना सुंदर है। तो दोस्तों यहाँ पे उड़ीसा ख़त्म होता है, और यहाँ पे जैसे लिखा है आरकू 15 किलोमीटर, बोरा के 51, विशाखापट्टनम 129। तो हम लोग तो आरकू जाएंगे और देखेंगे क्या क्या थोड़ा है, और थोड़ा व्यूज वगैरह देखेंगे। ये शायद लास्ट गांव है उड़ीसा का, इसके बाद से आंध्रा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, देखते रहो। दोस्तों हम लोग अभी आरकू में मतलब लगभग पहुंच गए, और जैसे कि आप आरकू में एंटर करते हैं ना, आपको ये पाइन ट्रीज दिख जाए, देख रहे हो आप लोग, ये पाइन ट्री आपको दिख जाएगा। और वहाँ पे कुछ कुछ लोग मतलब पिकनिक वगैरह कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा जगह है पिकनिक करने के लिए, स्पेस बहुत है। थोड़ा पुराना घर वगैरह कुछ दिख रहा है, उस तरफ जाना चाहिए। और मेन जो घाट है मतलब आरकू घाट, वो आपको दिखाना चाहता हूँ, इसलिए तो बेटर होगा हम लोग आगे चलेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलते हैं, देखते रहिए, ठीक है। राइट नाउ
वी आर ऑफिशियली एट अरकू, अरकू वैली। तो मतलब ये पाइन ट्री आपको देख के पता चल जाएगा कि आप लोग अरकू आ गए। बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि आप देखेंगे तो आंध्रा का ये सबसे बड़ा मतलब हिल स्टेशन बोल सकते हो। ये गजब मतलब बहुत ही भीड़ रहता है, बस बाइक कार ऑटो सब में लोग आते हैं घूमने के लिए पिकनिक के लिए। और बहुत सारा होटल भी, होटल का भी सुविधा है यहाँ पे, आप आराम से स्टे करके भी घूम सकते हैं। और मेरा तो पास है, मैं आराम से आज ही रिटर्न हो जाऊँगा। ज़्यादा नहीं, मुझे खाली वो जो आरुकू का जो रोड है ना, जो वैली है, वैली वाला जो रोड है उसको ही देखना है और कुछ नहीं, वही मेन है। उसको आप देख लोगे ना सही लगेगा। मतलब नैरो रोड है, अरे क्या भीड़ है, जो बहुत शादी वाली चल रहा है क्या। ठीक है, अभी तो भीड़ का इलाका है, थोड़ा आगे जाके देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, टेंट वगैरह का सुविधा है। अगर इफ यूर इंटरेस्टेड यू कैन कम हियर, और टेंट लेके मतलब भाड़े में लेके आप रात में भी रुक सकते हैं। नज़ारा भी बहुत अच्छा दिखेगा क्योंकि पूरा हिल के ऊपर है। दोस्तों मैं आरकू क्रॉस करके आगे थोड़ा जा रहा हूँ, तो अभी एक व्यू पॉइंट आया तो यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं। रोड बहुत ही नैरो है, आप देख सकते हैं, कॉर्नरिंग भी बहुत है, ब्लाइंड टर्न बहुत है। ये है एक व्यू पॉइंट, गजब दिख रहा है। धूप आज बहुत ज़्यादा है, पूरा पहाड़ का जो पूरा नज़ारा है ना पूरा दिख रहा है। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, देख लेते हैं। होटल एंड रिजोर्ट, नज़ारा तो गजब दिख रहा है। वो बहुत जोर से लग रहा है, मतलब थोड़ा मतलब बिना मतलब थोड़ा कम भीड़ वाला मुझे होटल अब तक नहीं मिला, पर देखते हैं। ठीक है, निकलते हैं। तो दोस्तों ये अरकू वैली के अंदर ही मतलब एक जगह है, पता नहीं यहाँ पे कुछ हिल व्यू रिजॉर्ट बोल के MSN कुछ लिखा है। मतलब मेन रोड में ही लेफ्ट आपको आना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मतलब कैंप वगैरह करके भी रह सकते हैं, कुछ लोग वहाँ पे हैं। इस तरह से शायद रास्ता है, हाँ राइट। तो हम लोग तो नहीं जाएंगे, हम लोग गाड़ी घुमा लेंगे। हम लोग का मेन काम है आगे थोड़ा जाना, ठीक है। यहाँ से पता नहीं कुछ ट्रैफिक जाम हुआ है, रीज़न पता नहीं चल रहा है। तो रोड एक्चुअली में सिंगल वे है और उसमें मतलब आना जाना कर रहे हैं, मतलब टू वे बनाती हैं, तो वही प्रॉब्लम है। बीच में कुछ हुआ होगा शायद, इसलिए पूरा वहाँ से लेकर यहाँ तक पर ट्रैफिक जाम है। तो नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है दोस्तों, देख सकते हो पूरा चारों तरफ पाइन ट्री। थोड़ा थोड़ा मतलब ठंड भी लग रहा है, मजा आया आपको। थोड़ा लेट भी हो गया मैं, 2:44 हो गया है, लंच भी करना है, लंच में किया नहीं।
देखते हैं कहाँ पे मिलता है लंच, ढूंढना पड़ेगा थोड़ा। यहाँ पे तो वो ये वगैरह मिलता है बॉम्बो चिकन, तो उससे थोड़ी ना आया पेट भरेगा। तो पिकनिक वगैरह बहुत जन आया पिकनिक वगैरह। बहुत जन आया बाइक में भी, बहुत जन आया, मुझे लगता है कि बाइक में ही बहुत जन आया, कार में आया है। और ये जो है ना, ये कॉफी प्लांटेशन बोलते हैं इसको। आप यहाँ पे गाड़ी में रुक के ऊपर जा सकते हैं, और यहाँ पे जो कॉफ़ी वगैरह मिलता है पूरा डुप्लीकेट है, ठीक है। वो लोग तुम्हें देंगे पीने के लिए, और तुम्हें लगेगा कि वो पूरा प्योर वाला है, और ऐसा कुछ नहीं है, तो दिखावा है। पहले हम लोग का खाना कुछ करते हैं, खाना वगैरह, भूख लग रहा है। और यहाँ पे बीच बीच में आपको वाटर क्रॉसिंग भी मिल जाएगा, क्योंकि पहाड़ है ना, तो राइट हैंड साइड से मतलब पानी ऐसे निकल के आता होगा, आपको देखने के लिए भी मिल जाएगा। उस तरफ भी खाली भीड़ था, इस तरफ तो भीड़ कुछ लग ही नहीं रहा, थोड़ा मोड़ा एक तो गाड़ी वगैरह आ रहा है, पर वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, क्योंकि वो एक छोटा सा गांव है, बस वगैरह जो भी जाता है ना वहाँ पर लग जाता है। फाइनली हम लोग गोलकोंडा व्यू पॉइंट में पहुंच गए, तो आपको दिखा देता हूँ व्यू पॉइंट कैसा है। तो गाड़ी का तो लॉक वगैरह पड़ गया, अभी चलते हैं देखते हैं व्यू पॉइंट। चाय पत्ती सब मिलता है यहाँ पे, तो सब डुप्लीकेट है, कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। तो ये है हम लोग का व्यू पॉइंट, ठीक है। यहाँ से तो यार आपको नज़ारे बहुत अच्छे से दिखेंगे, वाव गजब नज़ारा तो अच्छा है।
नज़ारा है यार, ये सबसे गजब नज़ारा है सीरियसली। पूरा आगे का वहां तक दिख रहा है और बहुत नहरा है, डर भी लगता है थोड़ा सा। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या टूरिज्म है, बहुत सारा जगह है घूमने के लिए अरकू में। ये पूरा वैली है, तो वैली के अंदर मतलब बहुत सारा जगह है, जैसे कि बोरा केव हो गया, वो तो मेन डेस्टिनेशन है। जो जो अरकू आते हैं वही देखने के लिए पहले जाते हैं, मतलब पूरा जाते हैं, रिटर्न आने के टाइम पे अरकू में जो जो है वो देख लेते हैं। तो ये जो बोरा केव है अरकू से लगभग 50 किलोमीटर पड़ जाएगा, ये जो रोड में जा रहा हो ना, ये रोड में ही है, पूरा घाट रोड है, आराम से जाना पड़ेगा धीरे धीरे, इतना नैरो रोड है आप लोग देख सकते हैं। और ये तो मतलब दो ट्रक अगर चला जाएगा तो बीच में मतलब साइड में कोई जगह नहीं बचेगा। रोड में जाने का जो मज़ा है ना वो असम है यार। यहाँ पे जंगल के अंदर भी गाड़ी वगैरह लेके आराम से खाना खा रहा है, अरे बाप रे क्या है ये। बेसिकली एक पार्क है, फैमिली के साथ आएंगे ना तो ये जगह सही है, क्योंकि यहाँ पे जो टेंट वगैरह बना है वहाँ पे आप लोग आकर रात गुजार सकते हैं। कितना भी फोटो कितना भी वीडियो ले लो पर रियल में जो दिखता है ना वो गजब है, वो कंपेयर ही नहीं है किसी के साथ। शायद अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं, धीरे धीरे पता चल रहा है। लंच कर रहे हैं 5 बजे, तो लंच करके हम लोग निकलेंगे। ये टिपिकली साउथ इंडियन फूड है, राइस दाल आलू चटनी और चिकन करी लाएंगे। तो अपना चिकन आ गया तो चलते हैं खाते हैं।